पाव काट कर पाव का चक्रव्यू बना दिया है। दोस्तों मेरे घर में बन रही है वड़ा पाव। वड़ा पाव दिखाता हूँ तुम्हें बनने की प्रक्रिया। मम्मी बना रही है चटनी, लहसुन धनिया और मिर्च और नींबू पीस के। ये देखो चटनी बन रही है अभी। और यहाँ पे पीयूष ये मूंगफली भून रहा है, हमें इसका छिलका उतारना है इसलिए भून रहे हैं। सो भी चटनी में जा रहा है टमाटर। टमाटर बहुत महंगा हो चुका है तो हम बहुत थोड़ा ही डाल रहे, ज़्यादा नहीं डाल रहे। मस्त आएगा स्वाद इसमें टमाटर डाल के। और अब ये फिर से पीसने जा रहा है। ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, अब हम दिखाता हूँ। ये देखो मस्त चटनी तैयार। इसमें जाएगा अभी तेल कढ़ाई में। हरी मिर्च और अदरक ये दोनों पीसने जा रहे हैं अब दोबारा। हमारे और भी सामान रखे हुए, नारियल, लहसुन, इसमें राई और जीरा जा चुका है, मस्त उबल रहे है। तो इसमें जाएगा कड़ी पत्ता, पत्ते के लिए थोड़ा दूर। इसमें जाएगा वो मिर्च और जो हमने अदरक पीसी थी वो गया। अब जाएंगे इसमें आलू, उबले हुआ आलू। ये हमारे उबले हुआ आलू चले गए, अभी तो बहुत रखे हैं। ये बन रहा है वड़ा पाव का टिक्की। इसमें जाएगा नमक आलुओं में, उबले हुए आलू और नमक और स्वाद अनुसार। अब जाए हींग, हींग ये हींग जा रही है इसमें। सूखा धनिया स्वाद अनुसार, हल्दी स्वाद अनुसार, ये देगी मिर्च स्वाद अनुसार। अभी मैश होंगे। अब जा रहा है जी हरा धनिया। वड़ा पाव मुंबई का स्वाद मिल रहा है हमें हरियाणा में। एक बार मैंने वड़ा पाव ट्राई किया था मुंबई जाके, फिर मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। मगर अब घर में बन रहा है तो घर में भी टेस्ट से देखते हैं हमें कैसा लगने वाला है वड़ा पाव का। मुझे लगता है अच्छा ही बनेगा क्योंकि मैं ही सामान ला के दे रहा हूँ घर में, मेहनत मेरी भी है इसमें। ये लिया है बेसन, बेसन के ऊपर जाएगा नमक, बना रहे बेसन का पेस्ट और इसमें जा रही है हींग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब ये पेस्ट बनने जा रहा है, अब इसे घोलेंगे। घोल 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 घोल। ये थोड़ा पेस्ट का रूप लेना शुरू कर चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा पतला करने के लिए। ना होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए हमारा पेस्ट। थोड़ा सा और पानी, क्या पेस्ट? ये ले लिया हमने फ्राई पैन, इसमें जाएगा थोड़ा सा घी। घी को हल्का सा गर्म किया। इसमें जाएगा लहसुन, थोड़ा सा नारियल, इसमें जाएगी लाल मिर्च, और थोड़ी सी लाल मिर्च, इसमें जाएगी थोड़ी सी मूंगफली। ये हमारी अभी बनेगा मूंगफली का पेस्ट। इसमें डलेगा सूखा धनिया, इसमें डलेगी हींग, पिसेगा।
आलू को गूंथ दिया है। ये हमारी मूंगफलियाँ पिस चुकी हैं। अब ये इसमें जो हमने आलू गूंथे थे, अब ये इसका गोल गोल करके अब ये जाएंगे पकौड़े की तरह तलेंगे। ये धीरे धीरे करके सब तलेंगे। अभी जा रहे हैं एक और। ऐसे तलते हुए देखने में कितना स्वाद आता है, मज़ा आता है, देखने में अच्छा लगता है। तो ये धीरे धीरे करके सब तल रहे हैं। ये पाव काट कर पाव का चक्रव्यूह भी बना दिया है। अभी हमारा वड़ा बन के रेडी हो रहा है, तो इन पाव के बीच में जाएगा वड़ा। अब ये पाव कट गया हमारा बीच में से, और इस पाव कटे हुए पाव के बीच में जाएगा हमारा वड़ा, और मस्त खाएंगे हम अब। तो छः के छः में काट चुके हैं हम। तो हमारा वड़ा पाव बस तैयार ही है। अब इसमें पाव में वड़ा लगाना है, चटनी, ये हरी चटनी, लाल चटनी, और ये मसाला लगाना है, फिर उसके बाद खाएंगे। हमारे पूरा सामान लगभग तैयार है, अब हम खाएंगे वड़ा पाव। हमारा वड़ा पाव तैयार है, नीचे हरी चटनी, ऊपर लाल चटनी, अब ये बीच में मसाला और ये वड़ा। क्या कॉम्बिनेशन बनाया है, क्या मस्त लग रहा है। अब इसे खा के बताऊंगा यार कैसा लग रहा है, स्वाद आ गया गजब के। तो दोस्तों हमारा वड़ा पाव रेडी है और मैं खाने जा रहा हूँ। तो मेरे खाने से पहले पहले आप खा लो। खा लिया, एक बाइट मार लो, अब मैं खाऊंगा। चलो टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। मस्त है यार, इसको खा लिया, अब एक और खाने का मन कर रहा है। पीयूष भी खा रहा है मस्त। दोस्तों यार वड़ा पाव जैसे जो घर में बनाया ना वड़ा पाव, यार वैसा टेस्ट ना मुंबई के कोने कोने में कहीं नहीं मिलेगा। मैं हालांकि मुंबई में खा के हूँ, लेकिन यार ऐसा घर वाला टेस्ट ना यार मुंबई में भी नहीं मिलेगा। तो यार मेरा ब्लॉग आज यहीं तक था। आपको भी वड़ा पाव की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ फटाफट 1K सब्सक्राइब करो, कमेंट्स कर दो, लाइक्स कर दो, भर भर के लाइक्स करो। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।